राजधानी जयपुर में बदमाश पुलिस प्रशासन को दे रहे खुलेआम चुनौती। आपको बता दें, बदमाशों के कहर से आम जनता हो रही है परेशान। साथ ही बीती रात को बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर की तोड़फोड़, साथ ही कैशियर पर किया जानलेवा हमला। जयपुर के सिंधी कैंप थाने इलाके में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर तोड़फोड़ की और कैशियर का सिर फोड़कर भागे। मामले में शास्त्री नगर निवासी लक्ष्मण राम किशोर माथुर ने सिंधी कैंप थाने में मामला दर्ज कराया। सुबह करीब 6:45 पर काउंटर पर बैठा था स्पीवर व कुर्क भी आए थे। मैच 15 मिनट के बाद ही 10-12 नकाबपोश बदमाशों ने पथराव शुरू कर दिया। मेन गेट पर लगे शीशे के गेट को तोड़कर अंदर आ गए। हाथों में डंडे से लेस बदमाशों ने अंदर आते ही रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ चालू कर दी। नकाबपोश बदमाशों ने पूरी तरह से रेस्टोरेंट्स के सामान को तोड़ने के बाद कंप्यूटर भी तोड़ दिया। कैशियर लक्ष्मण बचने के लिए काउंटर के नीचे छुप गए। स्पीकर व कुर्क भी भाग निकले। बदमाशों ने कैशियर लक्ष्मण के सिर पर डंडा मारा। सिर फटने पर खून से लथपथ कैशियर को देखकर हमलावर बदमाश भाग गए।